Let's start with the 8th question. Here it says, what are strong and weak acid? तो अगर हम बात करें strong acids की, तो they are nothing but कि जो completely ionized हो जाए, जो भी हमारे ऐसे acids हैं जो जिनका ionization possible है completely, that can be known as strong acids. और weak acids किसको बोलते हैं हम? Which are not, they don't get completely ionized. तो completely की जगह आप क्या कह सकते हो? That they would get partially आयनाइज्ड, आयन्स फॉर्म हो जाते हैं. जैसे अगर हम बात करें ना HCl की, तो HCl में क्या होता है कि हमारे पास H प्लस और Cl माइनस बन जाता है, आयन्स बन गए, कंप्लीट आयन्स बन गए. तो इसी वजह से HCl, जैसे जो पहला हमें दिया हुआ है ना HCl, HCl किस कैटेगरी में आएगा? स्ट्रांग एसिड्स के कैटेगरी में आएगा, वीक में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे आयन्स क्रिएट हो जाते हैं. अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, दिस वुड बी अ वीक वन. सिट्रिक एसिड हमारा किस में जाएगा? वीक एसिड्स में, क्योंकि इसमें सबके आयंस नहीं बनते. और अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड इज अ वीक वन अगेन, क्योंकि इसके भी कंप्लीट आयंस नहीं बनते. नाइट्रिक एसिड इज HNO3, और HNO3 के हमारे कंप्लीट आयंस बनते हैं, सो दैट वुड बी अंडर स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर्मिक एसिड हमारा एक वीक एसिड माना जाता है, क्योंकि इट वोंट बी फॉर्मिंग एनी, मतलब इट वुड बी फॉर्मिंग आयंस बट नॉट कम्प्लीटली. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो इसको भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं. क्यों डालते हैं? क्योंकि इसके भी आयंस कंप्लीट बन जाते हैं. सो दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो मूविंग टू द 9th वन.